ओके सो वी हैव अ मैसेज सेवन थ्री टेन ब्यूटिफुल एनर्जी नाइनटीन अगेन टेन अगेन अ ब्यूटीफुल एनर्जी एंड देर इज अंगड मैन एनर्जी व्हिच इज लाइक नंबर ट्वेल्व का कार्ड बट स्टक सिचुएशन से पेशेंस बेइंग ऑफ और द सन कमिंग एंड देन हियर इफ यू सी मटेरियल सक्सेस तो डेफिनेटली किसी चीज में सक्सेस किसी चीज में कंप्लीशन किसी चीज़ में, success, किसी चीज़ में, किसी चीज़ में um, चीज़ों के सामने आने के एनर्जी चीजों के क्लियर होने के एनर्जी चीजों के बैलेंस होने के एनर्जी एंड आई सडनली फील डांसिंग आई डोट नो वाई बट दैट इज हाउ आई एम सींग्ड एनरी वैन ही कॉन्फर्मेशन दिया है लेकिन uh, उसके अलावा अगर आप देखें तो सेवन सिक्स और नाइनटीन की एनर्जी है uh, so, 7 7 की एनर्जी है आइडली और वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट कोई जो uh, टास्क है वो सक्सेसफुल हो गया है या कोई जो टास्क है वो सक्सेसफुल्प्लीट हो गया है बिकॉज यहां पर अगर आप देखें तो ये सक्सेस अनफुलफिल्ड है और यहां पर मटीरियल सक्सेस है तो फाइनली अनफुलफिल्ड सक्सेस से कंप्लीशन um, किसी चीज की सनशाइन या सन ब्रेक किसी चीज में एंड देन फाइनली मटेरियल सक्सेस होना दैट इज व्हाट ही इज इंडिकेटिंग सो दैट्स लाइक अ जर्नी फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज नाउ लेट सी वट मोर ही गिवस एंड लेट सी वट मोर ही वॉन्ट्स टू से Mm, okay so shant what else do we need to know and if we can answer okay let's see what do we have two of cups nine of ones nine of cups एंड सन कार्ड सो नॉ अगेन ब्यूटिफुल एनर्जी बिकॉज टू ऑफ कप्स जो है वो कनेक्शन की एनर्जी होती है कनेक्टिव की कनेक्टिविटी की एनर्जी होती है और टू ऑफ कप्स की एनर्जी उन्होंने कल भी दी थी अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज हैपन्ड क्योंकि दो लोग जो है वो इक्वली नेगेटिव होकर नेगेटिव काम कर रहे थे और इसकी स्टोरी भी वैसे ही है इसकी स्टोरी है जहां पर दो लोग जो है वो दोस्त बन जाते हैं और उनमें से एक जो है वो गलत Uh, काम करता होता है गलत एनर्जी में होता है और दूसरे जो uh, मतलब दूसरा जो उसका दोस्त बन जाता है वो भी वही सब करने लग पड़ता है एंड देन फाइनली हाउ द डिजास्टर हैप कम्स देयर लाइफ और यहां पर नाइन ऑफ वस की एनर्जी है फेसिंग द फ्यूर यहां पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है विच uh, इज um, एक तरह से डिजगाइ की एनर्जी है बट विशुल फिल्मेंट की एनर्जी है एंड देन यहां पर द सन फाइनली कमिंग आउट एंड ब्राइट सो यहां पर अगर आप देखो तो नाइन टू इलेवन है और नाइन वन टेन है तो टेन और इलेवन इलेवन और टेन ट्रिप पर वन की एनर्जी है ही इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग समथिंग वेरी स्ट्रांग जहां पर सम काइंड ऑफ कनेक्शन या कोई uh, किसी के कनेक्शन से जुड़ा हुआ कोई डर जो है वो अपेरेंटली रियल हो जाएगा लेकिन वो रियल होने से um, क्या होगा वो रियल होने से एक्चुअली विश फुलफिलमेंट होगी एंड द सन कमिंग एनर्जी होगी और यहां पर अगर आप स्टोरी देखोगे तो इट इज द स्टोरी ऑफ सम्बडडी जो बहुत बड़े डिमन um, uh, के पास से भी uh, बिल्कुल क्लियर वापस आ जाती है और um, uh, वो वो जो रोशनी लेकर आती है उससे सारे बुरे लोग जो हैं वो जल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं बट इट टुक अ लॉर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर हर टू गेट इन टू दैट डीमंस डेन तो वो जो एनर्जी है That is very, very powerful. And, uh, I, I do feel that, uh, something is definitely guiding him and he's giving a wish fulfillment key energy. He's giving a very, very powerful, uh, positive sign of something very, very powerful and positive happening. Okay. Let's see. we may a Gita card here. and or I'm feeling like taking out one card from Gita from for him. So, um, okay. Now more than one. And, uh, first card is Sage or, um, टू सिक्सटी नाइन है मतलब चैप्टर टू वर्स सिक्सटी नाइन और सेज जो है ये अवेकनिंग का टाइम होता है सारी चीजों के लिए सारी एनर्जीज के लिए सारे सारे क्रीचर्स के लिए टाइम ऑफ अवेकनिंग सेल्फ कंट्रोल एनर्जी का एंड इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी का तो सेज है गणेशा है गणेशा जो है वो नई बिगनिंग की एनर्जी लेकर आते हैं समथिंग इज बिगिनिंग सेकेंड जो कार्ड है वो टॉलरेंस का कार्ड आया है चैप्टर टू फोर्ट वर्स फोर्टीन एंड वो बोलता है कि हैप्पीनेस uh, या डिस्ट्रेस जो है टेम्परे अपेयर जो है है वो भी हो जाती है, over the time, और seasons change होते हैं right? so, um, इंसान को ट करना सीखना चाहिए होने से पहले क्योंकि बेसिकली uh, सीजन है यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे uh, टॉलरेंस जो है वो खत्म मतलब दर इज एंड ऑफ टॉलरेंस दर इज एंड ऑफ यू नो टॉलरेटिंग दिमन और यहां पर um, स्टार्ट है जहां पे जो सेज है वो बहुत कुछ टॉलरेंट टॉलरेट करने के बाद जो संत हैं जो बहुत कुछ टॉलरेट करने के बाद अब पावर में वापस आ रहे हैं या डेफिनेटली स्ट्रांग एनर्जी में वापस आ रहे हैं वेयर द हॉर्सेज आर ऑलरेडी टू काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट कार्ड जो है सीड ऑफ क्रिएशन है चैप्टर सेवन वर्स नाइन टेन की एनर्जी है और वो बोलता है कि मतलब डिवाइन आई एम एवरीथिंग राइट मैं फायर में भी मैं हूं लिविंग थिंग्स में भी मैं हूं मतलब डिवाइन इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड दिस इज लाइक योर इंटेलिजेंस इज गोइंग टू शो यू दैट डिवाइन इज प्रेजेंट इन एवरी थिंग्स नाउ यू सी हाउ दर कमिंग दिस इज सो ब्यूटिफुल नेक्स्ट कार्ड जो है लीडरशिप का है वो चैप्टर थ्री वर्स ट्वेंटी वन है और यहाँ पर दिस इज लाइक जो लीडर्स है वो uh, for, गा, गा, रास्ता बनाते हैं और जो बाकी के लोग हैं वो उस रास्ते को फॉलो करते हैं एंड इफ यू सी द शिवा और यहाँ पर कम्पलीट लीडरशिप की एनर्जी है कम्पलीट पावरफुल एनर्जी है एंड एवरीबडीज काइंड ऑफ मूविंग थ्रू और टूगेदर विद डैट एनर्जी एंड लास्ट कार्ड जो है दैट इज फॉल्स ईगो चैप्टर थ्री वर्स ट्वेंटी सेवन और ये बोलता है कि जो मटीरियल नेचर की चीजों के अंडर होते हैं वो एक्चुअली फॉल्स ईगो में होते हैं और डिवाइन um, uh, जो है वही सब कुछ चला रहा है और दिस इज द कार्ड जहां पे फाइनली uh, जो देव हैं उनको जो विष्णु हैं वो uh, अवतार लेते हैं और मोहिनी का और रूप लेते हैं और जो देव हैं उनको uh, अमृत मिल जाता है और राक्षस जो हैं उनको पानी ही मिलता है और राक्षसों की फॉल्स ईगो जो है वो खत्म हो जाती है तो दिस इज ब्यूटिफुल कार्ड इज गिविंग दैट एनर्जी की एक नया शुरुआत हो रहा है इनफ ऑफ टॉलरेटिंग एनर्जी और दल चीजें अब जो है सीड्स ऑफ क्रिएशन नई सीड्स जो है नई क्रिएशन जनरेट हो रही है लीडरशिप जो है लीडरशिप uh, जो है डिवाइन एनर्जी कनेक्ट हो रही है फॉलो uh, करने के लिए और दो इन दॉल्सिंग वॉटर एंड कोई अमृत उन तक नहीं पहुंचने वाला है एंड दैट्स द एनर्जी दैट ही इज शोइंग विच इज वेरी वेरी पावरफुल बिकॉज इज लिटरली शोइंग वेरी वेरी पावरफुल कार्ड्स जो सक्सेस अनफुलफिल थी अनक्लियर थी नहीं हुई थी फाइनली दैट इज गोइंग टू हैपन एंड सी वट वी हैव जगन्नाथ अब इससे आगे तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी आ, बोलने की जरूरत है ही इज ही इज गिविंग दैट वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी और जगन्नाथ के जी के साथ जो खाद बाकी के आए हैं ये अर्ध नारेश्वर की एनर्जी है दिस इज लाइक यांग या शिव इन शक्ति का एक साथ आना आपके फेमिन मेस्कुलिन एस्पेक्ट का एक साथ आना दूसरा जो है भूमि की एनर्जी है अर्थ टॉलरेशन होती है लेकिन कितनी टॉलरेशन राइट नेक्स्ट जो है यमुना देवी की एनर्जी है और यमुना जो है वो प्योरिफिकेशन एनर्जी है और इस टाइम यमुना में कितना ही गंदगी जो है वो डली हुई है लेकिन फाइनली कमिंग टू प्योरिफाई दैटा कुर्मा अवतार की एनर्जी है अर्थ जो है अपनी पीठ पे संभाली हुई है विष्णु जी नरसिम्ह अवतार की एनर्जी है जो um, uh, जो अगेन बोर अवतार थे uh, विष्णु जी के और उसके बाद गॉडेस ऑफ डार्कनेस भद्रकाली की एनर्जी है इट इज लुकिंग लाइक द अवतार आर कमिंग टू रिमूव मूव ऑल द डार्कनेस और um, एक तरह से अगर आप देखें तो कंप्लीट um, बैलेंस जो है वो वो दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में देर इज शिव शक्ति एंड देन देर इज टू शक्ति कार्ड्स थ्री शक्ति कार्ड्स एंड देर इज टू विष्णु कार्ड्स विच इज टू शिव कार्ड्स बट अगर जगन्नाथ मिला दो थ्री मेल कार्ड्स एंड थ्री फीमेल कार्ड एंड वन इज द कंप्लीट बैलेंस ऑफ दैट मेल एंड फीमेल तो मुझे बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज दिखाई दे रही है एंड सुशांत इज गिविंग अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट द अवतार द टाइम फॉर द अवतार हैज कम और जगन्नाथ जी के आने का उनके उनके अपने अवतार को शो करने का टाइम हो गया है क्योंकि दो अवतार उन्होंने ऑलरेडी दे दिए है और ये फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैं राइट और डार्कनेस के खत्म होने की एनर्जी है नाउ वट वट एल्स कैन बी आस्क फॉर ही इज गिविंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस टूडे और uh... मुझे लगता है कि जो भी एक्शन एनर्जी उन्होंने बताई है अब तक जो भी जगलिंग अब तक रही है जो भी अनसेटल्ड एफर्ट्स uh, अब तक रहे हैं इट इज टाइम वेयर दीज ऑल दीज एफर्ट्स आर गोइंग टू बी सेटल्ड एंड ऑल दीज एफर्ट्स आर गोइंग टू बी पेइंग ऑफ एंड वी आर गोइंग टू सी रिजल्ट इन सो लेट्स ट बट इट इज द रिजल्ट टाइम बिकॉज अगर यहां पर भी देखो तो देर इज किंग ऑफ वॉन्स हायरफ एंड एंड द मून लिव इज गेटिंग ओवर हायरफ एंड टेकिंग द लीड डिसीजन एंड देन लास्ट में देर इज अ फुल एनर्जी वेयर दैट लीप ऑफ फेथ इज बिंग टेकन और यहां पर अनसेटल्ड एफर्ट बट ग्रेट स्ट्रेंथ सो so, फाइनली uh, uh, जो चेंज है वो अनसेटल्ड एफर्ट को स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके um, एक पावरफुल चेंज एनर्जी लेकर आ रहा है विच विल बी डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑल्सो एंड ऑल इूज रिमूव्ड सो ब्यूटिफुल एनर्जी एंड ओके सो आई विल सी यू लेटर वेन ही कनेक्ट्स अगेन बट तब तक के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी थैंक यू सो मच टेक केयर बाय